हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आए हैं नोर, कुछ छोटे मोटे काम बड़े हैं, एक बार वो कर लेते हैं, उसके बाद वो आज मामा जी के साथ में जाना है कहीं पे, प्रधान जी के साथ में, तो फिर वहाँ पे निकलेंगे दोपहर 1-1.5 बजे के बाद। तो तब तक कोई अच्छे माड़ी कामड़ी सलटा लेते हैं। एक बार जा रही है मेडिकल, कोई अच्छे माड़ी ड्रॉप डरोप लेनी है वो ले लेते हैं, फिर कोई और काम करें। तो फिर मैंने छुई मेडिकल की ऊंचाइयां, पहुंचते ही यहाँ पे भैया ने किया अभिवादन, और फिर मेरे को यहाँ पे कोई ड्रॉप वगैरह लेनी थी, ईयर ड्रॉप, तो वो मैंने भैया से डिस्कशन की थोड़ी, और इन्होंने इशारों में समझा के वो मुझे ड्रॉप दे के वहाँ से टपा दिया कि जाओ आप। और फिर जब मैं अपनी कर्मभूमि ऑफिस पहुंचा तो मेरे को पता चला कि हमारे बाबूजी का जन्मदिन है, तो संजय मामू भी आए हुए थे, और ये स्टाफ के जो साथी है वो मिठाई शिठाई खिलाकर इनको जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं दे रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, तो मैं भी मौके में शरीक हो गया। शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैंने मिठाई चेपी। तो गए जब तौड़िए का आलम बहुत ज़्यादा है और मैं आ रहा हूँ पका पका, क्योंकि वो मामा जी है वो वहाँ से चले हैं गांव से, और उन्होंने ये बोला है कि बस स्टैंड की तरफ आ जा, मैं इधर आ जाता हूँ। तो जा रहे हैं एक बार पैदल पैदल बस स्टैंड, फिर उनके साथ चलेंगे आगे, दिखाएंगे आपको प्रोग्राम। तो उनके दिए हुए निर्धारित जगह पे मैं पहुँच गए हूँ, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इंतज़ार। यहाँ पे आधा तावड़ा है और आधे छः हैं, गर्मी का आलम इस कदर बढ़ा हुआ है कि पूछो ही मत, पसीना में पसीना हो रखा है शरीर पका चालने से। तो आ जाते हैं, वो एक बार कर रहे हैं इंतज़ार, फिर उनके साथ में चलेंगे, कर रहे हैं वेट अपने। तो थोड़ा चलने के बाद गाड़ी हो गई थी भूखी, तो हमने पेट्रोल पंप पे डलवाया फ्यूल, और यहाँ पे कुछ मामा जी के वो फैंस वगैरह मिल गए थे, तो वो उनसे बात कर रहे थे और मैं मशीन की तरफ ध्यान लगाए बैठा था। तो जी फिर हम पहुँचे गोगा मेडी, तो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था और मामा जी नीचे उतर के उसमें शरीक होने के लिए चले गए, और मैं और मेरा भाई यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो एक बार सुनते हैं प्रोग्राम यहाँ पे, या फिर वहाँ पे सामने मंदिर है गोगा जी महाराज का, देखते हैं वहाँ पे अगर टाइम मिला तो दौड़ लगा के आएंगे। अब मैं और रखा था भूखा, तो मेरे को पास में एक रेडी खड़ी दिखाई दी, तो प्रोग्राम की आड़ में मैंने उस रेडी से जाके एक पेटीज बनवा लिया, और हम दोनों अलग अलग खिंड गए थे। ये जो मेरे मामा का लड़का ये जूस बनवा रहा था, मैंने पेटीज को दो भागों में कटवा कर खा कर उसके पास आ गया जूस लेने। फिर हम दोनों ने चेयर्स करके बढ़िया जूस इंजॉय किया, उधर बैकग्राउंड में प्रोग्राम चल रहा था और हमने अपनी प्यास बुझाई। वहाँ पर मुझे मिले मेरे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने मेरा हाथ जोड़कर अभिवादन किया, और फिर मैं प्रोग्राम देखने में लग गया वहाँ पे। फिर वहाँ पे ये नेता आ गए, राहुल जी कस्वा, कांग्रेस प्रत्याशी थे जो अपने है लोकसभा क्षेत्र चूरू से, और इधर बलवान जी जो कि पूर्व विधायक है बादरा के, बलवान जी पूनिया, तो ये अपना संवाद जनता को सुना रहे थे, भाषण दे रहे थे, और पास साथ में थे वो मंगेश जी चौधरी अपने नौर से किसान ने। सिंह जी, सरपंच साहब, राठौर साहब, सभी का हैं, पार्टी के जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता गण हैं, नेता गण हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम, पिछले दो दिन से लगातार हम बादरा तहसील। फिर वहाँ से वो एक प्रोग्राम सल्टाने के बाद हम पहुँच गए थे नौर तहसील के एक गाँव रामगढ़ में, जहाँ पे पंडाल वगैरह लगा हुआ था, दर्शक इंतज़ार कर रहे थे नेता को सुनने का, आने का। और वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने कुछ देर देखा, लोग बाग आए हुए थे, गाड़ियाँ वगैरह आई हुई थी सारी। अजय बाबू यहाँ साइड के नीचे विराजमान तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, और सामने इधर उधर छाव में दुकानों में बैठे मेरे तमाम किसान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, पूर्व जिला परिषद सदस्य भाई सूर्य प्रकाश जी, साथियों। अब अगला जो प्रोग्राम था वो था नौर तहसील के ये गांव परलिका का, जो मेरा ससुराल भी है, तो यहाँ पे सासरे में आने के बाद मैं खुद को थोड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा था,
क्योंकि ये अपना सासरा था, यहाँ पे अपने कुछ भी कर सकते थे, यहाँ पे अपने को पूरी छूट थी। तो मैं और मेरे मामा जी का जो लड़का, ये बैकग्राउंड में आराम से हम बैठे थे सासरे में, प्रोग्राम इंजॉय कर रहे थे। और उनको चाय पानी के लिए बोला था ससुराल वालों के, वो लेके आ रहे थे, घर पे जाने का टाइम नहीं था। तो हमने ये निकोटिन नहीं ली थी हमने सुबह से, जब से चले थे वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं दिखाई दिया था रास्ते में। तो मैंने ससुराल वालों को बोला भी जल्दी से जल्दी हुक्के का एक प्रबंध किया जाए, तो उन्होंने जंगली हुक्का लाकर हमें पीने के लिए दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब वहाँ से हम निकले अगले गांव के लिए, जो था दीपलाना नोर तहसील का। वैसे तो शायद इसका वो बादरा विधानसभा लगती है, पर पंचायत समिति ये नोर के नीचे आता है। तो यहाँ पे भी लोग बाग काफ़ी जुटे हुए थे और मैं खड़ा भीड़ इंजॉय कर रहा था। प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था, नेतागण आए हुए थे, अपने अपने विचार जो है वो प्रस्तुत कर रहे थे और लोग बाग सुन रहे थे। अब शाम को प्रोग्राम था ग्राम पंचायत शौराणी में, वहाँ पे रातूसर में टूर्नामेंट था वॉलीबॉल का। तो हम गए फाफौड़ी वहाँ पे, क्योंकि लेट हो गए थे काफ़ी सारे, और वहाँ पे पहुँचे तो लोग बाग सारे इंतज़ार कर रहे थे हमारे। अब वहाँ पे मान सम्मान का जो कार्यक्रम था वो चल रहा था, खिलाड़ियों को मोमेंटो देखकर वो मामा जी खुश कर रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, जो उत्कृष्ट खेल रहे थे उनको ये जो मोमेंटो है वो दिए जा रहे थे यहाँ पे वॉलीबॉल टीम के द्वारा, और मैं देख रहा था। और फिर वहाँ पर मौजूद लोग प्रधान जी से, अपने प्रधान से जिन्होंने ये खेल ग्राउंड दिया था पूरा, दो बात सुनने की इच्छा रखी। तो फिर हमारे मामा जी देने लगे भाषण, उन्होंने दो की जगह पांच छह बातें बता दी। तो पंचायत में लाइब्रेरी बनी, कभी सोचता था क्या? मैं सोराणी पंचायत के पढ़े लिखे लड़कों से पूछ रहा हूँ, कभी सोचता था क्या सोराणी में ऐसी लाइब्रेरी आपको मिलेगी पढ़ने के लिए? आज जाके देखो सोराणी की लाइब्रेरी, बच्चों को पढ़ने की सुविधा, अच्छी लाइब्रेरी बनाओ, अच्छे शौचालय बनाओ, अच्छे भौतिक साधन स्कूलों में बनाओ, सेट बनाओ, कमरे बनाओ, जिम बनाओ, कुछ भी लो, पर भाई ये उल्टे काम है ना, ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान बंद कर दो, ये और पंगों में करते रहो, विकास के गांवों में मत करो। यही मैं निवेदन करने के लिए आपके बीच आया था। पुणे ग्रामवासियों के तमाम बुजुर्गों को, तमाम मेरे युवा साथियों को, इस कमेटी के मेंबर्स को, आए हुए तमाम प्लेयर्स को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया टूर्नामेंट, इतने लोग आए, इतनी जगह से आए, एक दूसरे जानेंगे, मिलेंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी, गेम में आगे बढ़ोगे, और जब गेम में बच्चे आगे बढ़ने लगेंगे तो निसंदेह स्वास्थ्य के साथ साथ ग्राउंड रोजगार का भी साधन बन जाता है, ये मुझे विश्वास। धन्यवाद देंगे। फिर वहाँ पे गांव वालों ने मांग रखी कि हमें इतना कुछ सामान दे दिया है खेल का, दो दो ग्राउंड दे दिए, लाइब्रेरी वगैरह दे दिए, तो एक ओपन जिम और आप दे दो ताकि गांव वाले बच्चे भी जो है वो जिम का आनंद उठा सके। तो फिर प्रधान जी ने भी ऐसे सोच विचार के फिर घोषणा कर दी, बोले आपको जो लगवाना है, आपको जो इक्विपमेंट चाहिए वो ले आना और मैं पंचायत समिति के कोटे से दे दूँगा। और फिर वहाँ पे उद्घाटन करने के बाद, फीता काटने के बाद, मामा जी लगे थोड़ी देर खेलने और इन्होंने थोड़ी देर गेम एंजॉय किया, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे खेले हुए। फिर भी वो एक इधर शौराणी पंचायत के सरपंच थे और इधर प्रधान जी थे, दोनों की आपस में फाइट चल रही थी। और थोड़ी देर खेलने के बाद जब मामा जी के ठोलों में लगने लगी, तो फिर मामा जी ने सोचा कि हाँ इतना बहुत है, तो ठोलों में थोड़ी बहुत चोट खाने के बाद उन्होंने बंद कर दिया। और फिर जो मीडिया बंद हुए हुए थे वो लेने लगे मामा जी का इंटरव्यू,
कि हमें कुछ बाइट दो इंटरव्यू की ताकि हम न्यूज़ में प्रकाशित कर सकें उनको। आज छोराणी पंचायत के ग्राम रातेश्वर में यहाँ के युवा साथियों द्वारा ग्रामवासियों द्वारा ये द्वितीय रात्रिकालीन वॉलीबॉल शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके लिए तमाम ग्रामवासियों का यहाँ के आयोजन समिति का खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस तरीके के आयोजन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ और फिर वहाँ पे इधर पास में छोटे वाले ग्राउंड में छोटे बच्चे खेल रहे थे और शाम का वक्त हो चला था, काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर मैंने रेमा बत्ती को किया अनलॉक और मामा जी ने भी ली उन लोगों से इजाज़त। तो सरपंच और तीन चार लोग जो है वो गणमान्य लोग वो आपस में बतियाते हुए इधर आ रहे थे गाड़ी की तरफ। और फिर हमने वहाँ से चलने का प्लान बनाया क्योंकि शाम काफ़ी हो चुकी थी और पन्नौर से भी अपने काफ़ी दूर है तो टाइम लग जाता। तो मैंने तुरंत कैप्टन की सीट में अपना स्थान ग्रहण किया और निकल पड़े वहां से। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।